en los calats. दो व्यक्ति को लेकर के पेयर बनाएंगे, दो व्यक्ति को लेकर के हम क्या करेंगे पेयर बनाएंगे, वैसे ही व्यक्ति को पेयर बना के लेंगे, पहले स्थान पर रखेंगे कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, मतलब एक्स क्या होगा पिता होगा, वाई होगा फादर, वाई पिता होगा, समझ गया ना, एक्स पिता और वाई क्या हो गया बेटा, यानी एक्स जो है वाई का क्या होगा पिता, यहाँ पर रिलेशन पिता का है, यहाँ पर रिलेशन क्या है पिता का, पिता का। अब देखो तो रिलेशन में हम बताए ना कि भाई और बहन का रिलेशन क्या होता है, भाई और बहन का रिलेशन ये रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स होता है, रेस्ट रिलेशन जो है आपको ये रिफ्लेक्सिव मैट्रिक्स नहीं होता है। तो परिभाषा को अगर गहन अध्ययन किया होगा तो समझ गया होगा कि ये जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होने वाला नहीं है सर, पॉइंट वाइज किए थे ना, यस सर। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स इज फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ वाई। अब देखो पहला क्या चेक करेगा रिफ्लेक्सिव, पहला क्या चेक करोगे रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम कितने एलिमेंट लेते हैं, एक लेते हैं सर, रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट एक एलिमेंट मान के चलो एक्स ले लिया, वो एलिमेंट क्या ले लिया एक्स ले लिया, इसका मतलब क्या हुआ साइन से संबंधित एक्स आएगा, उसका मतलब क्या हो गया एक्स आएगा, क्योंकि वन लेते हैं तो वन वन, टू लेते हैं तो क्या टू टू, थ्री लेते हैं क्या थ्री थ्री, रिलेटेड स्वयं से संबंधित रिलेशन का मतलब ये हो गया कि दो का दो एलिमेंट को एक साथ लेगा, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लेगा। अगर एक्स लेते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया रिफ्लेक्सिव, मतलब एक्स 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 से संबंधित होना चाहिए ना, यस। तो क्या एक्स जो है एक्स इज फादर ऑफ एक्स, एक्स इज फादर ऑफ एक्स होगा, यस सर, कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता होगा नहीं होगा, लेकिन अभी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे एक्स इज नॉट फादर ऑफ एक्स, नॉट बहुत बोले जो है फादर नहीं हो सकता, मतलब रिफ्लेक्सिव का सिंपल नियम, जहाँ पर एक्स लिया है ना, यस, वाई के स्थान पर भी क्या लेगा एक्स, तब न स्वयं मतलब क्या खुद से, खुद से तुलना, अगर मान के चलो कि वायर ले लिया दूसरा स्थान पर भी, तब रिफ्लेक्सिव हुआ स्वयं संबंधित हुआ, स्वयं मतलब क्या स्वयं एक्स लेगा तो एक्स ही, समझ गया ना जी, तो अगर हम यहाँ पर एक्स ले रहे हैं तो वाई के स्थान पर भी क्या लेंगे एक्स लेंगे, समझ गया ना, तब ना स्वतुल होगा स्वयं से तुलना। अगर एक्स यहाँ पर रख दिए तो देखो तो ई लाइन क्या सही आपको लग रहा है कि एक्स एक्स का पिता है, एक्स वाई का पिता हो सकता है, हो सकता है, ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, तुम ही एकदम सोचो, सिंपल दैनिक जीवन की बात है, कोई व्यक्ति स्वयं का पिता होगा, तो यहाँ पर क्या देना है कि एक्स नॉट से संबंधित नहीं हो सकता है, मतलब कोई व्यक्ति स्वयं से संबंधित इस रिलेशन के अनुसार, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आप दूसरा क्या चेक करोगे सिमेट्री, रिलेशन में से जी डज नॉट रिलेशन एक्स की जगह ये रहेगा। अब देखो इसमें कितने एलिमेंट लेंगे, इसमें दो गो कितने लेंगे दो, तब दो गो व्यक्ति लेंगे, यस सर, दो व्यक्ति लेंगे, यस सर। अब देखिए परिभाषा से क्या होता है एक्स वाई से संबंधित होता है, यस कर दिए जी, देखो एक्स वाई से क्या है संबंधित है, ये कहाँ सा है एक्स वाई परिभाषा, ए रिलेटेड बी तो लेना ही होगा, यस बी रिलेटेड, लेकिन बी ए रिलेटेड ए पुराना होता है, ए रिलेटेड बी आप परिभाषा से ही ले लोगे, एल एस एस पढ़ने ले लेते हैं, यस, लेकिन बी रिलेटेड ए जो है पुराना होता है, क्या होता है पुराना होता है, तो ए ले लिए ए रिलेटेड बी यानी एक्स रिलेटेड क्या होगा वाई, तो एक्स और वाई संबंधित क्यों है, क्योंकि एक्स जो है वाई का पिता है संबंधित है, यस, एक्स और वाई क्यों संबंधित है, एक्स वाई का पिता साथ लिए हैं, यस सर, यहाँ पर लिखेगा एक्स इज फादर ऑफ वाई, फादर ऑफ क्या होगा वाई, क्या हम लिख सकते हैं कि वाई इज फादर ऑफ एक्स, नो सर, ये चीज हम लिख सकते हैं कि वाई इज फादर ऑफ एक्स, नहीं,
नहीं लिख सकते हैं एक्स वाई का पिता एक्स वाई का क्या है पिता पिता है ना अब ये रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया उल्टा 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 दो ये अब जो है कि एक्स को यहाँ रख देगा वाई को यानी सिमेट्रिक मतलब उल्टा दो सिमेट्रिक मतलब उल्टा दो उल्टा देते हैं यानी हम पहले क्या ले लेते हैं पहले वाई ले लेते हैं एक्स को आप कहाँ रखोगे यहाँ अंत में भाषा वाला चीज समय रहेगा यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स इज वाई फादर वाई इज फादर ऑफ एक्स क्या आपको सही लग रहा है ना सर नहीं सर एक्स क्या हो गया पिता वाई क्या हो गया बेटा हम कहेंगे वाई पिता है एक्स बेटा है ना सर सिंपल भी सोचो एक्स क्या है बाप है ना जी एक्स क्या है बाप वाई क्या है बेटा बेटा तो बोलो कोई बाप का बाप होगा नहीं सर बाप का बेटा है कोई भी बाप का बाप होगा बाप का एक बाप इसलिए हम बोल सकते हैं ये हम नहीं बोल सकते हैं कि एक्स का पिता है होगा नहीं सर तो वाई इज नॉट फादर नॉट फादर ऑफ एक्स वाई जो है एक्स का कभी भी पिता वाई एक्स का बेटा है तो पिता कैसे होगा नहीं नहीं होगा सर वाई एक्स का क्या है बेटा पिता होगा नहीं होगा तो वाई एक्स से संबंधित नहीं हुआ मतलब एक्स वाई से संबंधित है लेकिन वाई एक्स से संबंधित इस रिलेशन में नहीं है विरोध न हो जाता है इसीलिए तीसरा आपका क्या हो गया ट्रांजिटिव तीन एलिमेंट इसमें कितने एलिमेंट तीन गो एक्स वाई जेड आप देखिए यहाँ पर एक्स एक्स रिलेटेड वाई परिभाषा से कहाँ से आया डिफिनेशन से डिफिनेशन से और क्या लिख गए वाई रिलेटेड जेड वाई ना यस सर तो मतलब एक्स एक्स रिलेटेड वाई का क्या अर्थ एक्स जो वाई का पिता है एक्स वाई का पिता है एक्स इज फादर ऑफ वाई फादर ऑफ वाई अब ये देखो ई चिन्ह है ना यहाँ पर ई चिन्ह ऐसे लिख दिया और वाई रिलेटेड जेड का क्या अर्थ जेड का पिता फादर ऑफ जेड होगा यहाँ पर क्या लिखेगा वाई इज फादर वाई फादर ऑफ जेड अब देखो तो उसी प्रकार से नियम क्या कहता है कि एक्स वाई से संबंधित हो वाई जेड से संबंधित हो तो एक्स किससे संबंधित जेड से जेड से संबंधित होगा ना यस सर कि नहीं होगा जी तो लेकिन किस रूप में पिता के रूप में पिता के रूप में किस रूप में बना है पिता के रूप में लेकिन ये तो लेकिन जेड तो बेटा है सर जी एक्स का बेटा कौन है वाई वाई का बेटा है जेड एक्स और जेड में कौन संबंध होगा पिता पिता इसमें अभी बेटा का है नहीं कौन संबंध होगा पिता का पिता का होगा पिता बेटा पिछले मारेंगे एग्जैक्ट में कौन संबंध होगा पिता का होगा सर पिता नहीं बेटा का पोता का ना संबंध होगा बेटा का बेटा कौन हुआ पोता उसका बेटा ही है साधारण रिलेशन से निकला है पोता का बेटा पोता हुआ का दिमाग इतना भूत हो गया है जब एक्स का बेटा क्या है वाई का बेटा जेड बेटा का बेटा कौन हुआ एक्स हुआ दादा जेड हुआ पोता पोता एक्स दादा बोले जेड क्या हो गया पोता हो गया एक्स दादा बोले दादा वाला संबंध आ गया जी यस सर कौन संबंध आ गया दादा वाला लेकिन एक्स और जेड में कौन संबंध होना चाहिए था पिता वाला पिता वाला नहीं हुआ ट्रांजिटिव रिलेशन होगा नहीं सर एक्स इज नोट चलो विशेष बातचीत नहीं करना है एक्स इज नोट फादर ऑफ जेड फादर ऑफ जेड तो सर जेड इज का यहाँ पर एक्स लिख दे रहा है पोता है आप देखो एक्स जेड से रिलेटेड होगा एक्स जेड से रिलेटेड होगा नो सर क्योंकि दादा पोता होगा रिलेटेड टू जेड सब देखो आर इज सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव मैं जो कि पढ़ कर मत ये उतारी क्वेश्चन नंबर दो का जो रिलेशन इस प्रकार से है जैसे ए बी मतलब ये जो है कि दो गो एलिमेंट या दो गो संख्या को इस प्रकार के संख्या को साथ रखेगा जो निम्न प्रकार से होगा किस प्रकार से होगा निम्न प्रकार से ए उसके बाद बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर हो गया ना जी सर तब बंद कर दीजिए सर इसका मतलब क्या ग्रेटर लेस लेस बराबर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर लेस इक्वल टू ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर समझ गया ना जी
आप पहला क्या चेक करोगे? पहला जो है स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव चेक करेगा ना। यस सर। रिफ्लेक्सिव आप देखो रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट? एक एलिमेंट एक लेंगे ना। यस सर। आप देखिए क्या राशि संबंध आर न तो स्वतुल्य है न सममित है और न ही संक्रामक है। यस सर। दो नंबर का सवाल जो है इसमें रिलेशन इस प्रकार से यानी ए बी मतलब दो गो एलिमेंट को साथ लेगा ऑर्डर पेयर बनाएगा। यस सर। ऐसे एलिमेंट का ऑर्डर पेयर बनाएगा जो ये क्या है ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर समझ गया ना। जो स्वयं के वर्ग वर्ग के बराबर या छोटा हो, छोटा हो। स्वयं के वर्ग के बराबर या छोटा छोटा हो तो बोलो यहाँ पर हम एक रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट लेंगे? एक एलिमेंट लेंगे। तो देखो ये तो ये जो है स्वयं के वर्ग के बराबर होगा एक के लिए तो अति सही हो गया। क्या लेगा? संख्या एक। संख्या एक के लिए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप ही बोलो ये हम ले लेते हैं दो दो ले लिए ना। यस सर। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो गया? स्वयं स्वयं से तुलना करना। दो 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 लेगा। यस सर। आप ही बोलो दो कभी भी दो स्क्वायर के बराबर होगा? नहीं सर। होगा उससे छोटा तो होगा सर जी। मतलब दोनों का ना संभावना तलाशेगा संभावना दोनों में तलाशेगा। यस। मतलब छोटा हो जाएगा लेकिन कोई भी व्यक्ति स्वयं से छोटा होगा? नहीं नहीं होगा। है तो समझ रहा है ना। यस। इसलिए ये जो है जैसे ए और ए ही की ना बात कर रहे हैं जी एक के लिए तो सही हो जाएगा। जैसे मान के चलो कि एक लो एक का स्क्वायर करो तो एक बराबर एक हो जाएगा। एक के लिए तो सही हो गया लेकिन सब संख्या के लिए नहीं होना चाहिए। यस। क्या होना चाहिए? सब संख्या। क्या सब संख्या को फॉलो कर रहा है? नहीं सर। ए ए से संबंधित नहीं है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। स्क्वायर सर दीजिए ना ए पे। यहाँ पर ए पर स्क्वायर नहीं देना है समझ गया ना। यहाँ पर ए पर स्क्वायर नहीं देना। यहाँ पर हम रिलेशन की ना बात कर रहे हैं वहाँ पर स्क्वायर नहीं पड़ेगा। ये दर्शाने के लिए यहाँ पर था आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ऐसे भी लिखा सर्वतुल्य समुच्चय नहीं। आप दूसरा देखो सिमेट्रिक। देखो ज्यादा गहराई में चला जाता है इसलिए नहीं समझ पाता है। सिंपल रूप से सोचना है समझ गया ना। तो आसानी समझ जाओगे। इसमें कितने लेंगे सिमेट्रिक? दो गो दो एलिमेंट लेंगे ना। दो गो ए रिलेटेड क्या करेंगे? बी। इसका मतलब हो गया ए बी से रिलेटेड संबंधित बी के वर्ग से समझ गया ना। छोटा या बराबर है? छोटा या बराबर। ये बी के वर्ग के छोटा या बराबर। तो बोलो बी ए के वर्ग के छोटा या बराबर होगा? नहीं होगा। नहीं सर। सिंपल बात है जी। ए क्या है देखो तो बी के वर्ग से छोटा है या बराबर है तो बी कभी भी ए के वर्ग से छोटा या बराबर होगा? नहीं सर जी। उससे बड़ा होगा या बराबर होगा या उससे बड़ा होगा? सर जी स्क्वायर को क्या हम उधर कर देंगे ए बी अपने रहेगा रिलेशन में चलेगा। इधर राइट साइड में रहता है स्क्वायर। जी सर। समझ गया ना। और दिक्कत है देखो तो रिलेशन इसके अनुसार न चलेगा। इसमें जो है इसमें देखना होगा लेफ्ट है तो लेफ्ट देना होगा राइट है तो राइट देना। समझ गया ना। जी सर। इसलिए इस साइड हो रहा है तो स्क्वायर इसी साइड होगा। और दिक्कत है तो आर इज क्या होगा? आर इज नो नो सिमेट्रिक रिलेशन। अब तीसरा क्या चेक करोगे? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव तीन है एबीसी। हमने तो बोलता ट्रांजिटिव। इसमें देखो कितने एलिमेंट लोगे? तीन। और बी रिलेटेड क्या करोगे? बी रिलेटेड ए बी रिलेटेड सी सी बी रिलेटेड क्या करोगे? सी। अब यहाँ पर देखो ए रिलेटेड क्या है? बी रिलेटेड क्या है? सी सी है ना। तो देखो ए रिलेटेड बी का क्या
ये लेस इक्वल टू बी स्क्वायर यस सर ये लेस इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर ना होगा अब बी रिलेटेड सी का क्या अर्थ होगा बी लेस इक्वल टू सी स्क्वायर लेस इक्वल टू सी स्क्वायर ना होगा यस सर बी लेस इक्वल टू मतलब जो बाद में रहता है ना उस पर स्क्वायर कर जाता है बाद में कौन है सी है सर जिस हैंड में रहेगा उसी हैंड में स्क्वायर देंगे हाँ इसी नहीं देगा मतलब क्या बाद वाले में एलिमेंट में स्क्वायर लगाते हैं यस सर बाद वाला कौन है बी वाला बी है तो बी में लगा बी पर ना स्क्वायर लगाएंगे सी है तो सी कौन है सी है सी है ई बीच में तीन है एंड ना बी लेस इक्वल टू क्या करेगा सी स्क्वायर अब देखो ई क्या है ए है ए ऐसे उतार दिए ई क्या है लेस इक्वल टू सी स्क्वायर ये देखो बी है ना अब बी का मान क्या है सी स्क्वायर क्या है बी का मान सी स्क्वायर इस बी के जगह क्या रखोगे सी स्क्वायर बी का मान ना सी स्क्वायर हाँ तो हाँ उसका स्क्वायर तो बाकी है यस सर आप बोलो ये लेस इक्वल टू सी पावर चार क्या होगा चार चार होगा क्या होगा चार हुआ ना आप बुझ आप मान के चलो कि ये कौन संबंध है स्क्वायर वाला ना जी यस सर ये चार कहाँ से आ गया स्क्वायर वाला ना होना चाहिए स्क्वायर वाला है तो क्या होना चाहिए जैसे पिता का था तो पिते का संबंध होना चाहिए था समझ गया ना स्क्वायर वाला का सर इसीलिए नहीं स्क्वायर है तो स्क्वायर होना चाहिए ए बी संबंधित हो बी सी संबंधित हो ए से संबंधित होना चाहिए सी से ए सी से संबंधित हुआ ए सी से संबंधित हुआ नहीं सुबह सर जी नहीं ना हुआ स्क्वायर में संबंध है जी यस सर चार आ जाएगा तो नहीं होगा चार हो गया तो संबंधित हुआ कहीं नहीं सर जी तो यहाँ क्या करेगा कार देगा कार दिए मतलब हुआ ए सी से संबंधित नहीं है नहीं है तो यहाँ पर लिखेगा ये डज नॉट रिलेटेड सी आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन इसका क्वेश्चन नंबर तीन आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट आपको सेट दिया हुआ है जिस सेट पर रिलेशन डिफाइंड है इसमें कह रहा है कि ए बी यानी दो एलिमेंट इस प्रकार के एलिमेंट को साथ लेंगे जहां पर बी का जो मान होगा ए के मान से अधिक होगा यानी ए का मान अगर आप एक लेते हैं तो बी का मान क्या होगा दो यानी ए के मान से एक अधिक यदि ए का मान अगर आप दो लेते हैं तो बी का मान क्या होगा तीन यानी ए के मान से एक अधिक तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि रिलेशन जो है इसी प्रकार से डिफाइंड है कह रहा है कि यह जो है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मतलब कौन होगा यानी यही चेक करना है तो पहला हम चेक कर लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए हम एक एलिमेंट लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या लेते हैं एक एलिमेंट जैसे रिफ्लेक्सिव के लिए आप लेंगे पेयर ए ए तो यहाँ पर देखिए पेयर किस प्रकार से डिफाइंड है यहाँ पर होता है कि ये जो बी के स्थान पर ए है ये आपको हो गया बी तो ए बराबर क्या होगा ए प्लस वन मतलब कोई भी संख्या स्वयं से जो होता है एक बड़ी नहीं होता है यानी रिफ्लेक्सिव आप क्या करेंगे बी के स्थान पर भी ए ही लेंगे रिफ्लेक्सिव में एक ही ले लेते हैं यानी ए भी ए ही होगा बी भी ए ही होगा इसलिए यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा अब हम बात कर लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव होगा ये सिमेट्रिक होगा या नहीं दूसरा क्या होता है सिमेट्रिक दूसरा जो हमको टेस्ट करना यह है सिमेट्रिक सममित संबंध तो देखिए अगर आपको b बराबर a प्लस वन यहाँ पर रिलेशन दिया है अगर a बराबर भी b प्लस वन हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन इसके अनुसार लेकिन देखिए ज़रा सोचिए अगर b बराबर आपको यहाँ पर है b बराबर आपको यहाँ पर है a प्लस वन b बराबर है a प्लस वन तो फाइनली a बराबर क्या होगा b माइनस वन इसलिए यह रिलेशन जो होगा आपको वो आपको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा इसलिए नहीं होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन कहता है अगर एक दो है तो आपको यहाँ पर इसमें क्या होना चाहिए दो एक भी होना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन कहता है उल्टा के भी होना चाहिए तो इसी प्रकार से दो जो है दो को हम एक जोड़ एक लिख सकते हैं लेकिन इस दो को हम इस एक को हम ये जो एक देख रहे हैं इसको हम दो प्लस एक कभी भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि एक कभी तीन के बराबर होगा ही नहीं इसलिए यह आपको सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा अब हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन की तो देख सकते हैं अगर ट्रांजिटिव रिलेशन में एक हम दो लेते हैं और उसके बाद हम क्या लेते हैं दो और तीन लेते हैं दो तीन लेते हैं तो देखिए एक जो है दो से संबंधित है और दो किससे संबंधित है तीन से तो दो किससे संबंधित हुआ दो से
तो अब देखिए ये जो कॉमन एलिमेंट है दो दो, इनको छांट देते हैं, बचा क्या एक तीन। तो देखना है कि पेयर में एक तीन है कि नहीं है, अगर है तो वह ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो इस पर आधारित रिलेशन जो बना है देख सकते हैं किस प्रकार से बना है। जैसे सेट में जो है छोटक एलिमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ए का मान एक लेंगे तो बी का मान दो होगा, उसके बाद ए का मान दो लेंगे तो बी का मान तीन होगा। उसी प्रकार से अगर ए का मान तीन लेंगे तो बी का मान क्या होगा, चार होगा। यानी बी का मान जो होता है ए के मान से एक अधिक होता है, तो ए का मान पाँच लेंगे तो बी का मान छः होगा। लेकिन ये छठा मान नहीं ले सकते हैं एक के स्थान पर, इसलिए क्योंकि छः एक सात हो जाएगा और सेट ए में जो है सात एलिमेंट है ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक दो से संबंधित है, दो तीन से संबंधित है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि एक तीन से संबंधित होना चाहिए। तो एक तीन से संबंधित इसमें देखिए एक तीन पेयर खोजिए कहीं पर है नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन आपको नहीं होगा। बिल्कुल। तो चार का सवाल करो तेज से। सिद्ध कीजिए कि आर में आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस इक्वल टू बी। समझ गया ना, बड़ा परिभाषित स्क्वायर साइन है नहीं सर जी। लेस इक्वल टू क्या है, बी है, बी है। अब बोलो ये बन जाएगा सर जी। तो मान के चलो कि कोई भी रिफ्लेक्सिव के लिए कितना एलिमेंट लेगा, एगो एक एलिमेंट लेगा ना। यस सर। ए जो होगा हो जाएगा ए के बराबर होगा कि नहीं। यस सर, ये तीनों होगा सिमेट्रिक। ए ए के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा होगा ना, सीमित नहीं सिमेट्रिक। आर क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। समझ गया ना। यस सर। मतलब छोटा भी नहीं, छोटा नहीं होगा। यस सर। लेकिन बराबर तो होगा जी, छोटा नहीं होगा लेकिन बराबर तो होगा। अब चलो हम किस में आएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन में। किस में आएंगे, सिमेट्रिक रिलेशन में। अब यहाँ पर देखो ये जो है क्या है, ए ए बी से छोटा है, ए बी से क्या है छोटा और बराबर छोटा है ना। तो बोलो बी ए से छोटा होगा, नहीं सर नहीं होगा, नहीं होगा, बी ए से बड़ा होगा, बड़ा ना होगा। यस सर। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, नहीं हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांजिटिव की, इसको मिटा दो इक्वल टू। इसमें भी तो इक्वल टू दिए हैं, तब काहे के लिए मिटा रहे हैं दोनों में। अब देखिए उसमें क्या था, स्क्वायर भी ना था नहीं। इसमें स्क्वायर नहीं है नहीं। यस सर। इसमें है ना, उसमें स्क्वायर था। समझ गया ना, कोई भी संख्या स्वयं के वर्ग के बराबर होगा ना, या कोई संख्या स्वयं से छोटा होगा ना, दोनों कंडीशन में फॉल्ट हो रहा था जी। यस सर। कोई भी संख्या स्वयं की संख्या से छोट होगा ना, कोई भी संख्या स्वयं के वर्ग के बराबर होगा ना, होगा एक को छोड़ करके ना, तो वहाँ पर फॉल्ट दोनों आ रहा था, इसलिए वैसा किए थे। अब इसमें देखो ए बी से छोटा है, बी किस से छोटा है, सी से छोटा है। तो ये जो है ऑलरेडी किससे छोट होगा, सी से बहुत ही छोट होगा, होगा। यस सर। बी जो है ए से छोट है, मतलब बी जो है ए से की से बड़ है, बड़ा है ना। ये किससे छोटा है, बी से, बी से। बी किससे छोटा है, सी से। तो बोलो सी तो बहुत ही छोटा होगा, सी से छोटा होगा कि नहीं होगा। यस सर। बी ए से छोट है, देखो ये जो है ना बी से छोट है, बी से बोर के छे सी ना, ए से भी ना बोर सी है। यस सर। कई वाला बोल छे जी, बड़का ये रिलेटेड क्या हो गया, सी आर क्या हो गया आपको, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। यहाँ पर देखिए पांच नंबर का सवाल है, किस प्रकार से पढ़ो तो सवाल को, प्रश्न का जांच कीजिए कि क्या आर में आर बराबर ए बी सच दैट ए लेस इक्वल टू बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध सतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। समझ गया ना, जांच करने के लिए बोल रहा है कि जांच करने के लिए बोल रहा है। देखिए रिलेशन इस प्रकार से डिफाइंड है कि आर बराबर क्या है, ए बी सजेट ए लेस इक्वल टू क्या है, बी क्यू। ए लेस इक्वल टू क्या है, बी क्यू, बी क्यू है ना। यस सर। तो अब देखो कोई भी संख्या स्वयं के घन के बराबर होगा नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए कितने एलिमेंट, एक एलिमेंट, एक को छोड़ करके। आप देखिए एक मतलब ये लिए ना जी, एक एक ने लिए, समझ गया ना, एक को छोड़ करके कोई भी संख्या जो है स्वयं के घन के बराबर होगा नहीं। दो के लिए एकदम एग्जांपल ले लो, दो होगा तो मतलब ये जो है आपको एक के लिए सही हो सकता है, समझ गया ना। यस सर। एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके दूसरे संख्या के लिए बराबर नहीं हो सकता, होगा नहीं होगा। अब मान के चलो कि बात हम करते हैं, तो अब कोई भी संख्या स्वयं के घन से
छोटा हो सकता। अब यहाँ पर देखिए, लेकिन स्वयं से ना तुलना कर रहे हैं जी सर, हैं किससे तुलना कर रहे हैं? स्वयं से। क्या छोटा कर देगा? नहीं, जब स्वयं की बात हो रही है तो छोटा होगा ना सर जी। एक एग्जाम्पल दीजिए तो दू है, इसी का स्वयं दू आया तो दू का इसका घन हो जाएगा आठ, तो ये तो छोटा हो गया ना सर जी, ये छोटा हो गया, दो छोटा होगा, छैली हो गया। हाँ, लेकिन कोई भी संख्या जब हम एक ही चीज की तुलना कर रहे हैं तो छोटा कैसे कर देगा? देखो उससे तो घन की बात है तो सर जी, घन की बात है तो ये छोटा हो गया, संख्या ना छोटा हो गया जी, नहीं हो गया। हाँ, लेकिन स्वयं से छोटा नहीं होगा, लेकिन स्वयं से नहीं होता, नहीं होगा ना। तो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या? स्वतुल स्वयं से तुलना। हाँ, अच्छा हाँ, संख्या में इससे छोटा हो गया लेकिन स्वयं से तुलना में, लेकिन स्वयं से तुलना में क्या हुआ? तुलना में मतलब संख्या ने विरोध कर दिया, इसलिए ये क्या होगा? चलिए ये यहाँ पर संख्या के रूप में ये जो है ये सही हो गया, ये सही हो गया, लेकिन इस रूप में क्या हुआ? गलत हुआ होगा ना, के रूप में आर क्या हो गया? तो आर देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर ऐसे काट दो और वहाँ पे ऐसे काट दिए ना, और दिक्कत है नो सर। उसके बाद देखो सिमेट्रिक रिलेशन, इसके बाद सिमेट्रिक रिलेशन आप देखिए, ये बी से संबंधित है, ये किससे संबंधित है? बी से संबंधित है। तो देखो ए क्यू, ए समझ गया ना, ए जो है ए का जो मान है बी के घन से क्या है? छोटा छोटा है ना, ए का जो मान है बी के घन से क्या है? छोटा है, समझ गया ना। आप जो देखो तो B का जो मान है ए के घन बड़ा होगा सर जी, ए के घन से क्या होगा? बड़ा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, समझ गया ना? यस सर, होगा होगा होगा। कंडीशन के लिए, इस कंडीशन के लिए समझ गया ना, सही हो सकता है, इस कंडीशन के लिए सही हो सकता है, क्योंकि घन है जी, इस कंडीशन के लिए सही हो सकता है। लेकिन हम यहीं पर इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल टू भी ना है जी, ये क्या है? इक्वल टू भी है, तो ऐसे इक्वल टू लगा दो, इक्वल टू के लिए सही होगा? कभी ना होगा सर, कभी नहीं होगा, सही नहीं होगा। देखो दोनों का संभावना को तलाशेगा, विरोध वाला पर विशेष ध्यान देगा, विरोध वाला जो विरोध करता है उस पर ध्यान देना, विशेष ध्यान देना। यस, तो ए बी से संबंधित हो गया लेकिन बी ए से संबंधित नहीं हुआ, नहीं होगा। कुछ कुछ परिस्थिति के लिए सही हो सकता है, लेकिन सभी परिस्थिति को देख के चलना है। अगर एक भी विरोध कर दिया, समझ गया ना, उस पर विशेष ध्यान, एक भी विरोध कर दिया यस तो नहीं होगा, इसलिए बी ए से संबंधित नहीं हुआ, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद देखो ये किससे संबंधित है? बी से, बी से संबंधित क्या है? ट्रांजिटिव का परिभाषण है यस सर। तो यहाँ पर क्या करेगा? बी क्यू कर दिए जी सर। और यहाँ पर क्या करेगा? क्यू कर दिए ना जी, क्योंकि ये देखो बाद में भी ना है बी पर क्यू हो गया ना जी, तो बाद में क्या है? बी है, बी पर क्यू हो गया ना, बाद में क्या है? सी है, तो सी पर क्यू हो गया ना जी। अब देखो जो अंत में रहेगा उसी पर लगाएंगे। बी का मान क्या है? बी का मान ए है न, बी का मान सी है, सी है, सी है, क्या है? सी है। यहाँ पर क्या रखोगे? सी है, सी क्यू में पावर क्यू होल क्यू, यस सर, होल सी क्यू पावर होल क्यू क्यू, तो सी पर पावर कितना हो गया? सी पावर नौ, नौ 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 कितना हो जाएगा? आप बोलो यहाँ पर नाइन न हो गया जी, लेकिन ये जो है क्या है? तीन है जी, तो पावर क्या होना चाहिए था? सेम होना, तीन होना चाहिए, तीन होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया? नाइन हो गया, ये भी न हो गया, तो बोलो ये भी विरोध कर रहा, नो ये संबंधित होगा? नहीं होगा ना, ये डज नॉट रिलेटेड, आर इज नॉट, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन।